परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आज का कार्यक्रम तभी चलेगा क्योंकि विधान है कार्यालय का, जिसमें सबसे पहले देव पूजन, घैना पूजन और उसके बाद चंद्रावली का नाच से ही कार्यालय का आलम्भ होता है। तो मेरा निवेदन है परिवार के सदस्यों से, दुल्हा दुल्हन माता पिता से, प्रेम दत्त जी से कि वो अखाड़े में आए ताकि आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। आप सभी प्रबुद्ध जनता का, गुणीजन लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मदन मोहन शर्मा और ब्रिजेश्वर लोक नाट्य सांस्कृतिक दल वाकना घाट आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों के साथ मैं अपने कलाकार बंधुओं का स्वागत चाहूंगा। यहां सभी हमारे लोकल भाई लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं, और जितने कलाकार हमारे साथ इस वक्त यहां पर आए हैं वो अपनी अपनी विधा में पारंगत है, और खासकर विशेषकर जो कलाकार है वो आकाशवाणी या दूरदर्शन से वाबस्ता कलाकार है। तो कलाकारों की जो हौसला अफजाई है वो तालियों से आप लोग करें, तालियां ही इनकी खुराक होती है। और ये कार्यक्रम की शुरुआत घैना पूजन से। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग इसे निभाते आ रहे हैं, इसी तरह से हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी इसी तरह से इस परंपरा से जुड़े और इस परंपरा को निभाते जाएं। बहुत ही अच्छी हमारी हिमाचल प्रदेश की ये परंपराएं हैं, बहुत सी परंपराएं हैं, जिसमें विशेषकर जिला सोलन में करियाला या पांठड़ा, सिरमौर सोलन में विशेषकर इसका प्रचलन है। और इसके साथ साथ अगर हम बिलासपुर की बात करें तो वहाँ धज्जा इसे कहा जाता है, या मंडी में कहें इसे भगत या स्वांग के नाम से कहा जाता है, जिला कांगड़ा में इसे स्वांग के नाम से कहा जाता है, चंबा में पूरे 12 हमारे जो जिले हैं वहाँ पर नाटक शैली का एक अलग अलग ढंग है, नाम अलग है लेकिन जो शैली है वो एक ही है। इसी तरह से अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष की, खासकर उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में भी हमारे जो नाटक का तरीका है वो, अगर हम पंजाब में इसकी बात करें, जिस तरह हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में करियाली की बात है, तो अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर इसको भंड कहते हैं, भंड के नाम से प्रचलित है। और उसके साथ यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात करें तो यहां वहां जो है इसे नौटंकी कहा जाता है या खौलिया के नाम से इसे जाना जाता है। अक्सर आप लोगों ने भी बहुत जगहों में देखी होगी नौटंकी या भट्ट। प्राचीन समय में या राजाओं के काल में जब अपनी बात जो है हम आम लोग जो है डायरेक्टली राजा से नहीं कह पाते थे, तो ये लोग खासकर विशेषकर जो भट्ट करते थे या नौटंकी करते थे या करियाला करते थे, वो नाटक के माध्यम से अपनी, अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, जो कोई ऐसी बातें हैं, डिमांड है, वो राजाओं को जो है वो नाटक के माध्यम से कही जाती थी, या मखौलिया कह लीजिए या हमारी भाषा में छपलोई कह लीजिए। सर कि हम लोगों ने अपने आप को जाति और धर्म में परिवर्तित कर दिया है, हम सभी ने अपने आप को जाति और धर्म में परिवर्तित कर दिया है। तो एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, कहीं पे मंदिर तो कहीं पे मस्जिद बना बैठे। हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, कहीं पे मंदिर तो कहीं पे मस्जिद बना बैठे।
हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है, हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। और निवेदन रहेगा मीठी मीठी तालियों के साथ सुनिए देना, जो भी आता द्वार पे आ।
आपको बनते श्री चंद्र ने अपनी राजनीति